जहां एक ओर सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और काश्तकारों की आय दोगुना करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ काश्तकारों को हरी सब्जियों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के रानीखेत की, जहां ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं 5 से 6 किलोमीटर दूर से जाकर हरी सब्जियां लेकर आती हैं और उन सब्जियों का मेहनताना भी नहीं निकल पाता है, ऐसे महिलाओं के हाथ केवल निराशा ही रह जाती है। दरअसल महिलाएं मटेला, मंगचूड़ा, दल मोटी और आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, जो सुबह 5 बजे अपने घरों से निकलती हैं और शाम को अपने घर वापस लौटती हैं। कभी इनकी सब्जी बिक जाती है तो कभी नहीं बिक पाती है। बची हुई सब्जियों को इन्हें जानवरों या नालियों में फेंकना पड़ता है। स्थानीय काश्तकार पूरन से हैं अधिकारी ने बताया कि इतनी मेहनत करने के बावजूद सब्जियों का भाव नहीं मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहीं व्यापारी मंडल के महासचिव संदीप गोयल ने बताया कि सुबह 6 बजे से ये महिलाएं बाजार में सब्जी बेचने को आती हैं, लेकिन मेहनताना नहीं मिल पाता है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण ने सरकार और क्षेत्रीय विधायक से उचित व्यवस्था की मांग की है। रानीखेत से गोपाल सिंह विस्क रिपोर्ट। देखो, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये मजदूरी इतनी मेहनत करके आती हैं और ये कम से कम 15 से 20 किलोमीटर से आती हैं ये सब्जी बेचने, लाई है, मेथी है, पालक है, जो हमारे यहाँ पहाड़ में जो होता है, उसको उनको उतनी मजदूरी इनको नहीं मिल पा रही है। सुबह 5 बजे अपने घर से निकल जाती हैं बेचने और इनको ये लगातार ये बाज़ार में पूरे घूमती हैं, बाज़ार में लाई ले लो, मेथी ले लो, पालक ले लो, बथुआ ले लो, ये उनको उतनी मजदूरी नहीं मिल पा रही। मैं हमारे गांव से कोई अड़ोस पड़ोस के कोई मटेला से, कोई मकड़ों से, कोई ये गढ़ोली से, कोई चमना से, इन 5-7 गांव से आती है, कोई मनचौड़ा से। ये लोग भी काफ़ी, मतलब कि कुल मकड़ों और मनचौड़ा वाले तो पैदल रूप से अपने सिर में डलिया रख के आते हैं सुबह 5 बजे से लेके, और सारे दिन बाज़ार में फिरा फिरा के बेचते हैं। और हम लोग थोड़ा ज़्यादा सब्जी लाते हैं तो हमारे ये यहाँ पर रखने की जगह नहीं बन रही।